आज की हमारी फिल्म एक बहुत ही यूनिक कंटेंट पर बेस्ड है जो वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवीज में से एक मानी गई है। फिल्म की कहानी इतनी यूनिक है जिसको एक बार में समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसी मुश्किल को आसान करने के लिए आज हम आपके लिए इसका एक इजी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। फिल्म की कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, इसलिए प्लीज इसकी कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कॉल। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियोयुन है। सियोयुन काफी दिनों बाद अपने होम टाउन में लौटी है, जहां आते ही वो सबसे पहले सियोंगहो नाम के एक लड़के से मिलती है जिसका स्ट्रॉबेरी फार्म होता है, जो उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम काफी बीमार और हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए सियोयुन का घर काफी दिनों से बंद पड़ा था जिसकी हालत अभी काफी खराब हो गई है। यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि सियोयुन जब ट्रैवल कर रही थी तो उसका फोन ट्रेन में कहीं छूट गया था, इसीलिए सियोयुन सबसे पहले आकर अपने घर के कॉर्डलेस फोन से खुद के फोन पर ही ये पता करने की कोशिश करती है कि उसका फोन कहां पर है। उसके फोन को एक औरत उठाती है जो उसका फोन उसको ही रिटर्न करने के लिए उससे पैसे मांगती है, जिसकी वजह से सियोयुन का मूड ऑफ हो जाता है। वो अपने फोन को ऑनलाइन ट्रैक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता, जिससे सियोयुन मायूस हो जाती है। लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है जिसके दूसरी ओर से एक डरी और सहमी सी लड़की सियोयुन से कहती है कि उसने मुझको कैद कर रखा है, प्लीज मुझको बचा लो। अब थोड़ी देर के लिए तो सियोयुन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उसको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई रॉन्ग नंबर है, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी मॉम को ब्रेन ट्यूमर है जिसे इलाज के लिए उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। लेकिन सियोयुन की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उसके डैड की मौत के बाद से ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि सियोयुन और उसकी मॉम का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसके बाद हम एक बार फिर से सियोयुन को अपने घर में देखते हैं, जहां उसको एक बार फिर से उसी लड़की का कॉल आता है जो उसको बोलती है कि प्लीज मुझको यहां से बचा लो। वो लड़की सियोयुन को अपना एड्रेस भी बताती है, लेकिन एक बार फिर से सियोयुन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि सियोयुन तो अभी अपने ही बातों को लेकर परेशान है। और इसी परेशानी के साथ सियोयुन वही सोफे पर ही सो जाती है, जहां हम नोटिस करते हैं कि सियोयुन के पैरों पर जलने के निशान है। अब इसी सीन में सियोयुन को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है, जिसको वो जब चेक करती है तो उसको पता चलता है कि जिस आवाज से उसको ऐसा लगा था, दरअसल वो आवाज एक लाइट में से आ रही थी जो सियोयुन के घर के कॉरिडोर में थी, जिसके सामने वाली वॉल को देखकर सियोयुन उस पर अपनी फैमिली की फोटो को लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो फ्रेम को टांगने के लिए उस दीवार में कील लगाती है, वैसे ही वो कील दीवार के दूसरी ओर जाकर गिर जाती है, जो सियोयुन को बहुत अजीब लगता है। मानो ऐसा लग रहा था कि शायद दीवार के उस पार कुछ तो है, इसीलिए सियोयुन उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो दीवार टूटती है, वहाँ का नजारा देखकर सियोयुन के होश उड़ जाते हैं। दीवार के उस तरफ एक बेसमेंट होता है। सियोयुन उस बेसमेंट में चली जाती है उसको चेक करने के लिए, जहां उसको कुछ चीजें मिलती है जिनमें एक डायरी भी होती है जो यंगसुक नाम की एक लड़की की थी, जिसमें उसकी एक फोटो भी होती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डायरी किसी काला जादू करने वाले इंसान की है, जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जिनको पढ़कर सियोयुन थोड़ा घबरा जाती है। उसी डायरी में सियोयुन को ये भी पता चलता है कि ये डायरी सन 1999 में लिखी गई थी, जबकि जो फोटो उसको डायरी में मिली थी उस पर भी वही सन 1999 की डेट थी, जिससे एक बात तो जाहिर है कि ये जिसकी भी डायरी है उसने 1999 के बाद से इसको इस्तेमाल नहीं किया है। अब सियोयुन उस फोटो को लेकर उसी आदमी सियोंगहो के पास जाती है जिसका स्ट्रॉबेरी फार्म होता है, जो उसको ये बताता है कि ये फोटो तो यंगसुक की है जिसे उसकी सौतेली मॉम ने मार दिया था। अब ये सारी बातें जानकर सियोयुन थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो वापस जाकर दोबारा उससे बात करती है, जहां यंगसुक चिल्लाते हुए मदद मांग रही होती है कि प्लीज जल्दी आओ, मेरी माँ मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। पर सियोयुन को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद अब हम उस लड़की यंगसुक और उसकी मॉम को देखते हैं, जो सच में उसको जलाने की कोशिश कर रही थी, जिसका असर सियोयुन को भी उस बेसमेंट में देखने को मिलता है। सियोयुन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसकी अगले दिन एक बार फिर से यंगसुक सियोयुन को कॉल करके ये पूछती है कि कल तुम मुझको बचाने क्यों नहीं आई, क्योंकि यंगसुक को अभी तक ये मालूम ही नहीं था
कि जिससे वो बात कर रही है वो सियोयुन है, जहां बातों ही बातों में अब इन दोनों को पता चल जाता है कि ये दोनों एक ही घर में मौजूद है लेकिन अलग अलग समय में। मतलब योंगसुक इसी घर में है लेकिन पास्ट में, जबकि सियोयुन इसी घर में फ्यूचर में रह रही है, और ये दोनों इस फोन के जरिए कनेक्ट हो गई हैं। ये फोन भविष्य और भूतकाल की कड़ी बन गया है, जिसे जानकर ये दोनों काफी हैरान होती हैं। योंगसुक के अकॉर्डिंग आज डेट 18 नवंबर 1999 है, इसीलिए कंफर्म करने के लिए सियोयुन योंगसुक को ये बोलती है कि आज के दिन तुम्हारे समय में एक प्लेन क्रैश होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि तुम पास्ट में हो और मैं प्रेजेंट में। जिसके बाद हम योंगसुक और उसकी मॉम को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहां योंगसुक काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे योंगसुक मानसिक रूप से बीमार है, जो हो सकता है कि उसकी मॉम के टॉर्चर करने की वजह से हो गई हो। उधर ही हम उसी प्लेन क्रैश की न्यूज को भी देखते हैं, जिसके बारे में सियोयुन ने योंगसुक को बताया था, जिससे उन्हें अब ये कंफर्म हो गया है कि वो दोनों उस फोन के जरिए कनेक्ट हो गई हैं। जिसके बाद योंगसुक और सियोयुन दोनों एक बार फिर से फोन पर बात करती हैं। इन दोनों के बीच अब काफी बातें होने लगी हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। योंगसुक सियोयुन को बताती है कि ये मेरी सौतेली माँ है जो मुझको इतना टॉर्चर करती है, जिस पर सियोयुन भी योंगसुक को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर की भी घर में आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी, क्योंकि उसकी मॉम ने स्टोव गैस ऑन छोड़ दिया था, और यही वजह थी कि योंगसुक और उसकी मॉम का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से सियोयुन को कुछ याद आता है। वो योंगसुक से पूछती है कि आज कौन सी तारीख है, लेकिन योंगसुक बिना उसकी बात सुने फोन को काट देती है, क्योंकि उसकी माँ घर वापस आ जाती है। योंगसुक देखती है कि उसकी माँ के साथ एक आदमी और एक छोटी बच्ची भी है जो उनके घर को देखने आए हैं। वो लोग ये घर खरीदना चाहते हैं। योंगसुक उस लड़की को नोटिस करती है, जहाँ पर उसको पता चल जाता है कि ये छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि सियोयुन है। वो बहुत खुश होती है। वो सियोयुन को कॉल करके बताती है कि आज तुम अपने डैड के साथ मेरे घर आई थी। अपने डैड की आवाज सुनकर और उनके बारे में जानकर सियोयुन बहुत इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद योंगसुक सियोयुन से ये बोलती है कि हम तुम्हारे डैड को बचा सकते हैं, क्योंकि कल 19 नवंबर है जब तुम्हारे डैड उस हादसे का शिकार होंगे। योंगसुक की बातें सुनकर सियोयुन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने डैड को बहुत मिस करती है। अब नेक्स्ट डे जैसा इन्होंने प्लान किया होता है ये बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जब सियोयुन की मॉम गलती से गैस बर्नर को ऑन छोड़ जाती है, तो पीछे चुपके से आकर योंगसुक उस बर्नर को सही समय पर बंद कर देती है, जिससे वो हादसा नहीं होता। उधर सियोयुन भी इस चेंज को महसूस करती है। उस हादसे में सियोयुन का पैर भी जल गया था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था, जो अचानक से ठीक होने लगता है। सियोयुन के आसपास की चीजें भी उसी फ्यूचर के अकॉर्डिंग सेट हो जाती हैं, जैसे कि उसका घर और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ चेंज हो जाती है। मतलब पास्ट के चेंज होने के कारण फ्यूचर भी अब चेंज हो रहा था, जिसको चेक करने सियोयुन भागकर अपने पापा के फार्म पर जाती है, जहां अपने पापा को देखकर सियोयुन बहुत इमोशनल हो जाती है। वो समझ जाती है कि योंगसुक ने उसके पापा की जान बचा ली। अब पूरा फ्यूचर उसी के अकॉर्डिंग सेट हो चुका था। मतलब सियोयुन और योंगसुक के अलावा इसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो योंगसुक को कॉल करके थैंक यू बोलती है, जिसके बाद सियोयुन अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब सियोयुन का उसकी मॉम के साथ रिलेशन भी सुधरने लगा था, जिसकी वजह से सियोयुन अब योंगसुक को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। उधर योंगसुक भी सियोयुन के फोन के उठाने का इंतजार करती रहती थी, लेकिन सियोयुन अपने मॉम डैड के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन योंगसुक और सियोयुन की बात होती है। देखने से पता चल जाता है कि योंगसुक सियोयुन से नाराज है। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही योंगसुक की माँ आ जाती है, जो योंगसुक को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। वो सियोयुन को भी वार्निंग देती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, जिसे सुनकर सियोयुन को योंगसुक के लिए बहुत बुरा फील होता है। इसीलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो योंगसुक को इन सब से बचा कर ही रहेगी। वो इंटरनेट पर योंगसुक और उसकी मॉम से जुड़ी रिसर्च करने लगती है, जहां उसको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिलती है, क्योंकि आज वही दिन था जब योंगसुक की मॉम उसको मारने वाली थी। सियोयुन योंगसुक को बता देती है कि आज उसकी मॉम उसको मारने वाली है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में योंगसुक की मॉम उसको मारने आती है, लेकिन योंगसुक बच जाती है, जिससे पागल होकर योंगसुक
उल्टा अपनी माँ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब योंगसुक पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थी। वो अपनी आजादी को खूब एंजॉय करती है, जबकि उधर सियोयुन इस बात से खुश थी कि उसने योंगसुक की जान बचा ली। अब आगे फिल्म में हम सियोंगु को देखते हैं, जो सबको अपने फार्म की स्ट्रॉबेरीज बांट रहा होता है। और ये समय सियोयुन वाला समय है, यानी कि फ्यूचर वाला, जहाँ पर सियोंगु सियोयुन के घर पर भी स्ट्रॉबेरीज लेकर आता है, जहाँ सियोयुन उसकी मॉम डैड और सियोंगु मिलकर लंच कर रहे होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको योंगसुक वाला समय दिखाया जाता है, यानी कि पास्ट वाला। उस समय में भी सियोंगु स्ट्रॉबेरीज ही बांट रहा होता है, लेकिन वो जाता है योंगसुक के घर पर। योंगसुक सियोंगु को थोड़ी बदली बदली नजर आती है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। सियोंगु योंगसुक से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, जिस पर योंगसुक बात बदल देती है और अंदर चली जाती है, जिसके बाद सियोंगु फ्रिज को खोलकर देखने लगता है, जहाँ उसको योंगसुक की मॉम की डेड बॉडी के कटे हुए पीसेस मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि इतनी देर में वहाँ पर योंगसुक आ जाती है, जो उसको बोलती है कि तुम्हें फ्रिज नहीं खोलना चाहिए था, जिसकी बाद योंगसुक सियोंगु को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। उधर सियोयुन को भी महसूस हो जाता है कि फ्यूचर एक बार फिर से चेंज हो रहा है। वो जल्दी से नीचे आकर देखती है, जहाँ उसको उसके मॉम डैड लंच करते हुए मिलते हैं। वो अपने मॉम डैड से सियोंगु के बारे में पूछती है, जिस पर उसके मॉम डैड उसको बोलते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो, हम किसी सियोंगु को नहीं जानते। जिसको सुनकर सियोयुन समझ जाती है कि योंगसुक ने कुछ तो किया है जिससे भविष्य बदल गया। वो उसको फोन लगाकर पूछती है कि तुमने सियोंगु के साथ क्या किया, जिसके बाद वो सियोंगु के स्ट्रॉबेरी फार्म को भी चेक करने जाती है, जो अब उजड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रॉबेरी फार्म सालों से ऐसे ही वीरान और बंजर पड़ा है, जिसके बाद वो जल्दबाजी में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सियोंगु के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस स्टेशन में भी सब लोग सियोंगु को पहचानने से इनकार कर देते हैं, सिवाय एक पुलिस ऑफिसर के, जो उसको बताता है कि मैं सियोंगु को जानता था, जो सालों पहले मारा गया। वो सियोयुन को ये भी बताता है कि उसका कातिल भी पकड़ा गया था, जो एक सीरियल किलर था। सियोयुन उसका नाम पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि मुझको इतना तो याद नहीं है, लेकिन मेरी डायरी में उस किलर की एक फोटो है। जिसके बाद वो दोनों एविडेंस रूम में जाकर डायरी में उसकी फोटो चेक करने लगते हैं, जिसको देखकर सियोयुन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि योंगसुक होती है। अब इसके बाद हम आगे फिल्म में योंगसुक वाली टाइमलाइन को देखते हैं, जहां पर पुलिस योंगसुक के घर पूछताछ करने के लिए आती है, जिनमें वही पुलिस वाला होता है जो फ्यूचर में सियोयुन को सारी बातें बता रहा है। इस समय वो यंग है। वो लोग योंगसुक से पूछताछ करते हैं, जहां उस पुलिस वाले को उसकी बातों से उस पर थोड़ा शक हो जाता है, जिसके बाद सियोयुन उसी औरत से मिलने जाती है, जिसको शुरुआत में योंगसुक मदद के लिए बुला रही थी। वो औरत सियोयुन को सब बता देती है कि योंगसुक एक बुरी लड़की थी, जिसकी मानसिक हालत सही नहीं थी। उसकी मॉम योंगसुक से लोगों को बचा रही थी, जिसे जानने के बाद सियोयुन समझ गई थी कि उससे गलती हो गई है, उसे योंगसुक को नहीं बचाना चाहिए था। सियोयुन ने जब योंगसुक को बचाया तो भविष्य बदल गया, जिस वजह से उसने बाद में काफी कत्ल किए, जिसका जिम्मेदार अब सियोयुन खुद को मान रही थी। वो योंगसुक से बात करती है। वो उसे बताती है कि तुम एक सीरियल किलर हो, जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी। जिसे सुनने के बाद योंगसुक थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वो सियोयुन को बोलती है कि पता लगाओ कि पुलिस को मेरे बारे में कैसे पता चला। लेकिन सियोयुन काफी अपसेट होती है, इसीलिए वो उसका फोन काट देती है, जिसके बाद हमें पहली बार योंगसुक का असली चेहरा देखने को मिलता है। योंगसुक और सियोयुन दोनों ने जैसा एक दूसरे को समझा था, दोनों ही वैसी नहीं थी। योंगसुक एक सीरियल किलर थी, जिससे बचने के लिए अब सियोयुन उसका फोन उठाना बंद कर देती है। उधर योंगसुक वाली टाइमलाइन में उसके घर पर यंग सियोयुन और उसके डैड आते हैं, जो योंगसुक की मॉम से मिलने आते हैं। योंगसुक उनको झूठ बोलकर घर के अंदर बुला लेती है, क्योंकि योंगसुक के इरादे ठीक नहीं थे। जबकि उधर सियोयुन वाली टाइमलाइन में सियोयुन अपने डैड के साथ होती है, जहां अचानक से एक बार फिर से फ्यूचर चेंज होने लगता है। सियोयुन के डैड मरने लगते हैं, क्योंकि योंगसुक अपनी टाइमलाइन में उनको मार डालती है, जबकि यंग सियोयुन अभी भी उसके कब्जे में होती है।
जिसके साथ वो कुछ भी कर सकती है। सियोयुन भागते हुए वापस अपने घर आती है जो अचानक से खंडर बन गया था, क्योंकि सियोयुन के डैड के मरने की वजह से भविष्य एक बार फिर से बदल गया। सियोयुन गुस्से में योंगसु का फोन उठाती है। वो बोलती है कि तूने मेरे डैड के साथ क्या किया। वो उसको बता देती है कि मैंने उन्हें मार दिया, जिसके बाद सियोयुन अपना आपा खो देती है। वो बोलती है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसको पता नहीं था कि यंग सियोयुन अभी भी उसके कब्जे में है, इसीलिए मजबूरन उसे वैसा ही करना पड़ता है जैसा योंगसुक चाहती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है, पता करो कि पुलिस वालों को कैसे पता चला। लेकिन सियोयुन ये पता करने के बजाय योंगसुक से बदला लेने का एक बेहतरीन प्लान बना लेती है, जिसमें वो योंगसुक को एक ऐसी जगह भेज देती है जहाँ योंगसुक की टाइमलाइन में ब्लास्ट हुआ था। लेकिन सियोयुन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि योंगसुक उस ब्लास्ट में बच जाती है। सियोयुन को लगता है कि शायद अब तक योंगसुक मारी गई होगी, क्योंकि उसको तो पहले से ही पता था कि पास्ट में क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर से उसका फोन बजता है, वो समझ जाती है कि योंगसुक उस धमाके से बच गई। अब सियोयुन ने गलती तो की है, जिसकी सजा मिलना उसको लाजमी है। योंगसुक यंग सियोयुन को टॉर्चर करने लगती है, जिसका असर यहाँ भविष्य में भी देखने को मिलता है। सियोयुन योंगसुक से अपनी जान की भीख मांगती है, जिसके बाद योंगसुक उसको एक और मौका दे देती है, जिसके बाद वो उसको ऐसा कुछ बताती है जिसको सुनने के बाद सियोयुन के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि उसके डैड की मौत उसकी मॉम की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके खुद की वजह से हुई थी, क्योंकि उस बर्नर को गलती से सियोयुन ने ऑन छोड़ा था, ना कि उसकी माँ ने। उधर योंगसुक वाले टाइमलाइन में सियोयुन की मॉम अपनी बेटी और हस्बैंड को ढूंढते हुए योंगसुक के घर तक पहुंच जाती है। सियोयुन भी ये पता लगा लेती है कि योंगसुक किस तरह से पकड़ी गई थी, और इस बार वो उसको सब कुछ सच बता देती है, जिससे योंगसुक अपने सारे सबूत मिटा देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से भविष्य बदल जाता है, जिसमें योंगसुक अब कभी पकड़ी नहीं गई है। ये इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां एक मिस्टीरियस वुमेन योंगसुक को वार्न करती है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है, जिसके बाद हम सियोयुन की मॉम को देखते हैं, जो उसी पुलिस ऑफिसर की मदद लेती है, और वो दोनों उसके हस्बैंड और बेटी को ढूंढने योंगसुक के घर पहुंच जाते हैं। वो लोग योंगसुक से पूछताछ करते हैं, जहां उन्हें घर चेक करने पर कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी सियोयुन की मॉम योंगसुक के फोन से अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, जो कॉल सीधा लगता है सियोयुन को, जो अपनी माँ को वार्न करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मॉम वहाँ से जल्दी निकल जाओ, आपकी जान खतरे में है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाती, योंगसुक उस पुलिस वाले को मार डालती है, जिससे एक बार फिर से भविष्य बदलने लगता है। योंगसुक सियोयुन की मॉम के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है, जहां वो एक बार फिर से सियोयुन को कॉल लगाकर पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर सियोयुन उसको बताती है कि अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है, पहले आप अपनी जान बचाइए। लेकिन ये कहानी अभी जितनी सिंपल दिख रही है, उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि सियोयुन की टाइमलाइन में यानी भविष्य में योंगसुक सियोयुन के सामने आ जाती है। ये वो वाला भविष्य था जिसमें योंगसुक कभी पकड़ी ही नहीं गई थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी है, जो उसी घर में रहती है। वो सियोयुन के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद हम एक बार फिर से पास्ट वाली टाइमलाइन को देखते हैं, जहां योंगसुक यंग सियोयुन को उसी बेसमेंट से बाहर ले आती है, जहां उसने उसको छुपा कर रखा हुआ था, ताकि वो उसकी मॉम को उस रूम से बाहर निकाल सके, और मजबूरन उसे रूम से बाहर निकलना पड़ता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी इंटेंस फाइट होती है, जिसमें आखिरकार सियोयुन की मॉम योंगसुक को मार डालती है, जिससे एक बार फिर से भविष्य बदल जाता है। और उधर सियोयुन भी बच जाती है, जो भागते हुए अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाती है, लेकिन उसे उसकी मॉम वहाँ नहीं मिलती, जिसके बाद वो रोते हुए अपने फादर की ग्रेव पर पहुंचती है, जहां उसे उसकी मॉम मिल जाती है। सियोयुन अपनी मॉम को देखकर समझ जाती है कि उस लड़ाई में उसकी मॉम ने योंगसुक को मार दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है, और वो दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मिस्टीरियस औरत का जिक्र किया था, जिसने योंगसुक को वार्न किया था, जो कोई और नहीं बल्कि खुद योंगसुक ही थी, जिसको इन सब के बारे में पहले से ही पता था, जहां एंड में हम एक बार फिर से
भविष्य को बदलते हुए देखते हैं, जिसमें सीओई उनकी मॉम गायब हो जाती है। नहीं समझ आया ना? लेकिन चिंता मत करिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट टाइमलाइन में योंग सुक मरी ही नहीं थी, जिसके बाद हम एक बार फिर से सीओई उनको देखते हैं, जो इस बार योंग सुक के उसी बेसमेंट में उसी चेयर से बंधी होती है, जिससे योंग सुक की माँ उसको बांधा करती थी, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वेलम उम्मीद करते हैं कि ये माइंड ब्लोइंग मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको इसकी कहानी में कोई सीन या फिर कोई सीक्वेंस समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।